Hi, hello, namaskar, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. ये वीडियो हमारी पहली वीडियो होगी जिसमें हम लो बजट डाइट प्लान डिस्कस करेंगे. ये डाइट प्लान की कॉस्टिंग अराउंड 1500 से 2500 से 3000 रुपए मैक्स टू मैक्स जाएंगी. ये डाइट प्लान भी काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव साबित हुई है. सिर्फ इतना है कि इसके अंदर आपको मेहनत ज़्यादा लगेंगी. इसके अंदर मैं आपको मॉर्निंग टू नाइट आपको किस टाइम पे क्या देना है और कितना देना है कंप्लीट स्केड्यूल बताऊंगा. जो जो हमारे भाई बकरे पालने का शौक दिल से रखते हैं लेकिन फाइनेंस की वजह से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, उनके लिए ये डाइट प्लान बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी आपको मेहनत करनी है लेकिन आप अपना कॉस्टिंग बहुत बचा सकते हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं लो बजट डाइट प्लान. सुबह सबसे पहले आपको 9 बजे के करीब पानी देना है अपने बकरों को. पानी से ही आप अपना दिन की शुरुआत करेंगे. अब 10 बजे आपके पास दो ऑप्शन हैं. पहला ऑप्शन ये है कि आप उनको 20-25 रुपए की घास दे सकते हैं जिसे घोड़ा घास भी कहा जाता है और मेथी घास भी कहा जाता है. या अगर आप चाहें तो कोई भी अगर आपके घर के नज़दीक सब्ज़ी या फ्रूट की मार्केट हो वहाँ पे आप सुबह जाएं तो आपको बहुत सारी सब्ज़ियाँ जो वो फेंक देते हैं वो फ्री में मिल सकती हैं, जैसे कि भुट्टे के छिलके हैं, गोभी के पत्ते हैं, फिर मौसम्बी और कलिंगड़ के छिलके हैं, नारंगी के छिलके हैं, ककड़ियाँ हैं, टमाटर है, गाजर है. ये सब चीज़ आपको फ्री में मिल सकती है जो आप अपने बकरे को सुबह 10 बजे के करीब दे सकते हैं. कोई भी चीज़ आपको देना है एक्सेस में नहीं देना है, ये सब मिला के भी 1 किलो के करीब होना चाहिए. इन सब से बकरों को फाइबर मिलेगा. फिर दोपहर में 1 बजे के करीब आपको इनको पानी देना है और पानी देने के बाद 5 बजे के करीब आप इनको सूखी हरी पत्ती दे सकते हैं जिसको लौंग पत्ती भी कहा जाता है. अब हरी पत्ती देने के 1 घंटे के बाद मतलब 6 बजे आपको इनको चुन्नी और पेंट मिला के देना है. इनका रेशियो ऐसा होगा 30% चुन्नी अगर आप लेते हैं तो 70% पेंट लेना है. पेंट दो तरीके का होता है, एक सेंग का होता है और एक कापूस का होता है. ये जो कॉटन सीड्स होते हैं या ग्राउंड नट जिसे कहते हैं सेंग, इनका तेल निकाल के जो एक्सट्रैक्ट बचता है उसको पेंट कहा जाता है. ये आप कोई भी अनाज वाले के दुकान में अगर आप जाके पूछें कि गाय और भैंस का जो चारा होता है पेंट वो मुझे चाहिए, वो आपको बता देगा. और चुन्नी अलग अलग ग्रेन्स की होती है, जैसा चने की चुन्नी आती है, मतलब चने का भूसा है या गेहूँ का भूसा है, सब अलग अलग तरीके की चुन्नी आती है. अब देने का तरीका ये है कि पेंट और चुन्नी को आपको पानी में भिगा के रखना है अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 घंटे. एक बार 12 से 14 घंटे अगर आप भिगा के रखते हैं, जितनी भी क्वांटिटी आप भिगाते हैं पानी में भीगने के बाद ये 3 गुना बढ़ जाती है. तो अगर आप चुन्नी और पेंट मिला के अगर 1/2 किलो की क्वांटिटी आप भिगा के रखते हैं तो ये भीगने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलो के करीब बन जाएगा और ये आप इनको 6 बजे दे सकते हैं. बकरा स्टार्टिंग में नहीं खाएगा, आपको 2-3 दिन तक थोड़ी तकलीफ़ होगी, उसके बाद ये डेफिनेटली उठाना शुरू करेगा. एक बार बकरे को आदत हो जाती है चुन्नी की तो 6 बजे अगर आप चुन्नी देते हैं, याद रखें चुन्नी से पहले 5 बजे आपको हरी पत्ती देना बहुत ज़रूरी है. अब 6 बजे अगर आपने चुन्नी दे दिया तो 2 घंटा जाने दें, 8 बजे आप उसको वापस से हरी पत्ती डाल दें अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो और फिर उसके बाद आप 9 बजे के करीब उसको वापस से पानी दें. ये डाइट स्केड्यूल आप याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ 50-60 किलो के ऊपर के बकरों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है. और पानी के अंदर ज़रूरी है कि आप हिमालय 32 डाल के पिलाएं क्योंकि
पेन से गैसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आपको बच्चों को देना है तो पेंट को छोड़ के बाकी सब चीज़ आप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बार आपको फिर से बोलूं, प्लीज़ याद रखें कि पेंट के आगे पीछे हरी पत्ती ज़रूर दें। पेंट डेफिनेटली सस्ता है, 15 रुपये के अंदर आपको आधा किलो आराम से मिल जाएगा या उससे सस्ते में भी मिलेगा, और आधा किलो पानी में भिगाने के बाद 1.5 किलो भी बन जाएगा। लेकिन हरी पत्ती आगे और पीछे देना ना भूलें। और आखिर में आप 10 बजे के करीब, एज एन ऑप्शन है आपके ऊपर, अगर आप देना चाहें तो बेहतर है, नहीं देना चाहें तो कोई तकलीफ़ नहीं, आप 10 बजे के करीब 20-25 रुपए के पत्ते भी दे सकते हैं, ताज़े पत्ते जैसे गुल्लड़ है, बड़ है या और कोई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कमिंग वीडियो के अंदर मैं आपको मीडियम बजट डाइट प्लान और हम हाई बजट डाइट प्लान भी देखेंगे, और फिर आपको जो डाइट प्लान बेस्ट सूटेबल लगता है अपने हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।